हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लास इलेवेंथ के लेवल तक का पढ़ेंगे और एक इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे विच वुड बी योर एक्सटेंडेड वर्जन इट विल कवर योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर योर लेवल ऑफ़ सी ओके सी ए इंटर तक के लेवल का वो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टडी करेंगे एक इंट्रोडक्शन होगा तो आप वो वीडियो भी जरूर से देखिएगा सो स्टार्टिंग विद दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्टिंग विद द मीनिंग वॉट इज दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाई एक्सपोर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरीज बॉडी कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकोगशन मेजरमेंट ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन एंड एक्सक्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं या पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं एक्सपर्ट ने बनाए हैं क्या है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ एक्सपर्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैं जो किसने बनाए हैं एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी ने बनाए हैं है। और वह बॉडी कौन हो सकती है हो सकता है गवर्नमेंट हो सकता है रेगुलेटरीज uh, हों हो सकता है uh, कोई रिकॉग्नाइज्ड बॉडी हो तो ये लोग मिलकर क्या बना क्या बनाए इन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए ठीक है ये क्या है स्टैंडर्ड्स क्या है डॉक्यूमेंट्स ओके okay, वो क्या डॉक्यूमेंट्स किस चीज के डॉक्यूमेंट वो हम आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरीज बॉडी कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ अब उसके अंदर क्या कवर हो रहा है स्टैंडर्ड तो बना दिए लेकिन वो क्या कवर मीनिंग मीनिंग क्या है उस स्टैंडर्ड की एक डॉक्यूमेंट है और वो क्या कवर करेगा उसमें क्या लिखा है स्टैंडर्ड किस कि, किस चीज़ के लिए स्टैंडर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन मेजरमेंट ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसको कैसे बनाना है कैसे रिकॉग्नाइज करना है कैसे मेजर करना है कैसे ट्रीट करना है कैसे प्रेजेंटेशन देना है और कैसे डिस्क्लोजर देना है इन सबको कैसे करना है उसका उसके जो रूल्स और कुछ पॉलिसीज होंगी वो कौन बताएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई थिंक आपको अब आप समझ में आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अब ये इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जो सी ए जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये इंस्टीट्यूट है ये इंस्टीट्यूट ही इशू करता है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंस्टीट्यूट अपने ऐसे ही नहीं कि मन किया इशू कर दिया वो 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 बहुत बड़ा एक पैनल होता है जो बैठता है स्टडी करता है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कि ये स्टैंडर्ड बना है ये अप्लीकेबल होगा हो होगा अभी कि नहीं तो उसी के अकॉर्डिंग वो इशू करता रहता है टाइम टू टाइम या फिर रिवाइज करता रहता है जो बने हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको रिवाइज़ भी करता रहता है तो आई थिंक एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ध्यान रखिएगा ये रिकॉग्निशन मेजरमेंट ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर ये लिखना बहुत ज़रूरी है मीनिंग में क्योंकि यही करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यही काम है रिकॉग्नाइज करवाना मेजरमेंट ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन देना कैसे देना ये कौन बता रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो आपको बताएगा गाइडलाइंस रखेगा कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है ट्रांजेक्शन का कैसे रिकग्निशन देना है एंड एंड सो ऑन तो आगे बढ़ते हैं अभी हमने यहां पे पीछे पढ़ा देखिए कि ये कौन इशू कर रहा है अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इसको याद रखिएगा तो अब यहां पे देखिए क्या लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ए एस बी ये इंडिया का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है किसने सेट किसने बनाया ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इस बोर्ड को क्यों बनाया क्योंकि इस बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे इसलिए आई ने एक बोर्ड बनाया एक बोर्ड में बहुत सारे लोग बैठते थे पैनल बना एक तरह से उस पैनल में बहुत सारे लोग थे उस बोर्ड के अंदर बहुत सारे लोग थे जो मिलकर क्या बना रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अभी भी बनाते हैं और ये कब सेटअप हुआ 1977 में मतलब बहुत पुरानी बात हो रही है तो 1977 में आई ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया जो क्या इशू करता था करता है नॉट करता था अकाउंटिंग uh, स्टैंडर्ड्स तो चलिए आगे देखते हैं द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द आई सी ए आई नोटिफाइज द फाइनल स्टैंडर्ड आफ्टर कंसल्टे एंड डिस्कशन देखिए वो क्या करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के आई सी ए आई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट इंडिया को देगा और वो इंडिया क्या करेगा उसको फाइनल सर्टिफिकेशन देगा फाइनली उसको प्रूव करेगा एक तरह से तो अप्रूव करके वो कैसे अप्रूव करेगा कंसल्टेशन और डिस्कशन करेगा लोगों से आ, कौन कौन से किससे किससे डिस्कशन और कंसल्टेशन करेगा वो नीचे कंसिडरेशन में दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं अब एक तरह से स्टैंडर्ड बना रहा है तो लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा तो देखिए किससे कंसिडरेशन लेना पड़ रहा है द तो इंडियन लॉज कस्टम एंड बिजनेस इन्वायरमेंट इन सब से वो कंसिडरेशन लेगा और देखते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन बाई आई ऊपर क्या था ए एस बी आई एस बी क्या है ए एस बी इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है वो क्या है आई ए एस बी आई ए एस बी ए एस बी ये ध्यान रखिएगा दो अलग अलग टर्म है तो इनसे भी कंसिडरेशन देगा जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं और जो इंडिया के स्टैंडर्ड बने दोनों का कंसिड्रेशन लेना पड़ेगा ना आपस में आई ए एस बी को आई एस बी से कंसिड्रेशन लेना पड़ेगा हमें तो इसलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई एस बी के कंस्टिड्रेशन के थ्रू बनाए गए हैं आगे देखते हैं पर्पज़ एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिश्ड फाइनल अकाउंट्स अब जो बन रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या पर्पज़ है तो वो भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पहले तो और उसके लिमिटेशंस भी ध्यान रखने पड़ेंगे सर्टिफाई करने के पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्रूव करने के पहले तो ये सब कंस्टिड्रेशन लेने पड़ते हैं प्लस द रोल ऑफ ऑडिटर्स ऑडिटर्स आपको हमने बताया था क्या होते हैं जो हमारे अकाउंट्स को चेक करने आते हैं तो आउटसाइड पार्टी होती है थर्ड पार्टी कोई होती है जो हमारे अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करती है कि आपने सही से बनाया कि नहीं तो उनके भी रोल जो है माइंड में रख कर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इसमें देखिए बहुत सारे कुछ टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जैसे ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई ए एस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई एफ आर एस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये इतने सारे टर्म्स हैं इसकी क्या मीनिंग है ये भी हमको समझना जरूरी है जितने भी टर्म्स हैं ये तो इसको हम डिस्कस करते हैं देखिए ए एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इन जितने भी ये साइड में लिखे हुए सर्कल्स में ए एस एन डी एस आई एस आई एफ आर एस इन सब के लिए जो एक टर्म बनाया गया दैट इज योर गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो मेन टर्मिनोलॉजी है इन सब चारों के लिए वो क्या है गैप गैप कवर्स ऑल दीज फोर ए एस डी एस आई एस एंड आई एफ आर एस तो आपको ध्यान रहेगा आपसे कि गैप के अंदर ये चारों आते हैं तो ए एस और ये एरो बना के हमने किया इसका मतलब समझा देते हैं जो देखिए इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं वो ए एस कहलाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर मेरी इंडिया की कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रही है जो एम एन सी है उसको तो इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे तो एस का जो नया वर्जन है वो क्या है इंडेस ए एस का जो नया वर्जन है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो है इंडेस ए एस जो है वो इंडिया में ही चलता है जैसे यूके में यूके का अपना ए है यूके एएस, यूके गैप इसी तरह हर कंट्री का अपना अपना ए एस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है अब अगर उस कंट्री में कोई कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे चली जाती है तो उसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं जो कंट्री अपने अपने बनाती है हो सकता है वो आई एफ आर एस बनाए या वो अपनी ही कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस को कन्वर्ट कर ले इन डी एस में तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ए एस और एन डी एस क्या है इंडिया में एक होता है आई ए एस एंड आई एफ आर एस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आई एफ आर एस देखिए ए एस जो है वो इंडिया में फॉलो हो रहा है आई एस क्या है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखिए कुछ कंट्रीज जो हैं वो आपस में मिलकर एक स्टैंडर्ड बना लेती हैं अकाउंटिंग करने के सपोज इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल है यू के एंड यूरोपियन कंट्रीज़ यू के एंड यूरोपियन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लिया एक जो इंटरनेशनली कुछ कंट्रीज़ फॉलो कर रही हैं उसको हम क्या कहते हैं आई अब आई का जो नया वर्जन है जो अब लेटेस्ट चल रहा है वो दैट इज और आई एफ आर एस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स तो आई थिंक आपको सब में डिफरेंट समझ में आ रहा होगा क्या है अच्छा तो ये आई एफ आर एस चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी आई ए एस को एन डी एस में और आई एस को आई एफ आर एस में तो देखिए ध्यान रखिए कि जब कोई सपोज uh, इंडिया है इंडिया में डेवलपमेंट uh, हो रहा है और डेवलपमेंट के लिए फॉरेन से बहुत सारी कंपनीज़ आ रही हैं तो वो हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनसे बोले कि फॉलो करिए तो प्रॉब्लम होगी उनको समझ में भी नहीं आएगी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है हो सकता है हम प्रॉफिट दिखा रहे हो दस लाख का उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो लॉस हो।, हो सकता है हम किसी चीज़ को एक्सपेंस मान रहे हो उनके अकॉर्डिंग वो क्या है लाइबिलिटी में आ रहा हो तो ये कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से एक इंटरनेशनल लेवल की अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है और एक इंटरनेशनल लेवल की स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है इसलिए हमको आई और एन को बनाना पड़ा तो एन क्या है ए का नया वर्जन और इंटरनेशनल लेवल पर कौन से चल रहे हैं आई का नया वर्ज़न दैट इज़ आई एफ आर एस इंडिया आई एफ आर एस को भी फॉलो कर सकती थी आपको अगर इंटरनेशनल जाना है तो एस की जगह नया वर्जन क्या ले लीजिए आई एफ आर एस लेकिन इंडिया ने क्या बोला हम अपना एक अपना खुद का इंटरनेशनल लेवल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे जो आईएफआरएस को कॉपी करेगा आईएफआरएस को कॉपी करेगा उसी की तरह हम बना कर देंगे तो दैट इज योर इंडेस तो इंडिया ए एस की जगह आई एफ आर एस भी फॉलो कर सकती थी तो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल दीज टर्म्स तो आगे कंटिन्यू करते हैं नीड क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है एक स्टैंडर्ड बनाकर देगा तो क्या होगा कन्फ्यूजन दूर होगा रिमूवल ऑफ कन्फ्यूजिंग वेरिएशन यूनिफॉर्म एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन होगा क्योंकि सबको स्टैंडर्ड फॉलो करना है मैनिपुलेशन नहीं होंगे क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना दिया तो उसी पर सबको चलना होगा कोई अपने मन से कुछ विंडो ड्रेसिंग नहीं करेगा तो अवॉइडेंस ऑफ मैनिपुलेशन ग्लोबलाइज बिजनेस हमारा बिज़नेस जो है ग्लोबल लेवल पर जा रहा है तो ग्लोबल लेवल की अकाउंटिंग भी हो रही है एक स्टैंडर्ड भी फॉलो हो रहा है प्रॉपर तो हमारा बिजनेस जो है ग्लोबलाइज होगा डिस्क्लोजर बियॉन्ड लॉ अब ध्यान रखिएगा लॉ को ये ओवर नहीं करेगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं वो हमारी कंट्री के लॉ के ऊपर नहीं है लॉ के नीचे ही हैं अगर लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर सामने सामने आ जाए तो आपको लॉ को मानना पड़ेगा नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो डिस्क्लोजर बियॉन्ड लॉ नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इंश्योर अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंसिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है हमको एक अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडिंग देता है और एक प्रॉपर रिलायबल हम रह सकते हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं ये कौन प्रोवाइड कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एक इसका एडवांटेज है टू इंश्योर कम्पेरेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब सब लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके बना रहे हैं तो कंपेरिजन भी ईजी होता है टू हेल्प एस मैनेजीरियल एफिशियसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह बनाए गए हैं कि आपको पूरी मैनेज मैनेजिंग अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सब सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आने लगेंगी कि बिजनेस में चल क्या रहा है तो मैनेजीरियल एफिशिएंसी भी आप निकाल सकते हैं तो डिक्रीज द चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड इन इनसफिशियंट डिस्कलोजर ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छुपती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ों का डिसक्लोजर देता है सो दिस इज़ योर एडवांटेजेस आते हैं लिमिटेशंस पे आप देखिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया मतलब उसी को फॉलो करो बार बार उसी पे चलो रिजिड पाथ बना दिया इन्होंने तो ब्रिंग्स इन फ्लेक्सिबिलिटी फ्लैक्सिबल नहीं होते हैं और रिजिड होते हैं तो इसका लिमिटेशन है हाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा विद चार्जेज यूज अमाउंट सो इट इन इट इज़ हाई इट इज़ कॉस्टली डिफिकल्ट टू चूज़ अमंग अल्टरनेटिव इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं अभी हम आगे देखेंगे कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो इतने सारे काउंटिंग स्टैंडर्ड है किसको हम चूज़ करें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो डिफिकल्ट टू चूज अमंग अल्टरनेटिव स्कोप इज रिस्ट्रिक्टेड इनका स्कोप रिस्ट्रिक्टेड है ये फ्लेक्सिबल नहीं है तो स्कोप भी इनका रेस्ट्रिक्टेड है टाइम कंज्यूमिंग होता है समझने में टाइम लगता है एप्ला, अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सो दीज आर योर लिमिटेशन ऑफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इंडिया में देख लेते क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अभी हमने पढ़ा कि इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है आई इसने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश करती है और बनाती है पब्लिश आई करता है और बनाते कौन है कौन प्रिपेयर कर रहे हैं ए while formulating AS, the ASB ए एस consideration गिव international कंसिडरेशन टू इंटरनेशनल by IFRS. इशूड बाई आई जब भी एस बी इंडिया का ए एस बी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा वो इंटरनेशनल को ध्यान में रखेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर बनाएगा द ए एस आर इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ आई सी ए आई ये जो ए एस इशू होते हैं वो आई सी आई के authority के authority के बेसिस पे इशू होते हैं जब वो अथॉरिटी देगा तभी इशू होंगे ए एस बी प्रोवाइड इंटरप्रटेशन एंड गाइडेंस ऑन इशूज अराइजिंग फ्राम ए एस एंड रिव्यू दैम एट पीरियोडिकल इंटरवल्स पीरियडिक इंटरवल्स सो एस बी क्या है ए एस बी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को टाइम टू टाइम हर इंटरवल पे उसको स्टडी करता रहता है कि कहीं लूप होल्स तो नहीं आ गए स्टैंडर्ड में तो उसको रिवाइज करेगा फिर से इशू करेगा फिर से उसमें चेंजेस करके इशू करेगा तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम है तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा तो नेक्स्ट आते हैं कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं इंडिया में देखिए ये नेम लिखे हुए हैं लाइन से ओवरऑल थर्टी टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी इंडिया में चल रहे हैं तो सबके नेम आप देख लीजिए एक बार ये क्या होते हैं ये आप सी ए लेवल पर पढ़ेंगे तो एलेवंथ में बस आपको नेम ऐसे ही याद रखने हैं। policies, uh, होते हैं डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो ये कुछ नेम है ए एस सिक्स देखिए डेप्रिसिएशन जो आप पढ़ेंगे क्लास एलेवंथ में तो दीज आर योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स So thank you everyone.